असलकुम कैसे हैं आप सब उम्मीद है खैरियत से होंगे आज हमारी क्लास कुछ स्पेशल है स्पेशल क्यों है जो मैंने आपको शायद सेशन स्टार्ट होने पे भी बताया था कि कुछ फ्री के मार्क्स हैं जो आप अपने पास इकट्ठा कर सकते हैं ठीक है ना जिसमें आपको किसी टीचर की निगरानी में कुछ नहीं करना आप किताब को सामने रख कर वो काम कर सकते हैं उन सवालों के जवाब दे सकते हैं यानी कि यही हैं आपके फ्री के मार्क्स और आपको वो सवालत भी दे दिए जाते हैं सबसे पहले हम देख लें क्या है दिस इज कॉल्ड अ ट्यूटर मार्क्ड असाइनमेंट इसको हम कहते हैं टी एम एम ए पता चल गया आपको अब इसके कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं वो देख लीजिए जो हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट है यानी कि एन है हमारा ये इसके सेकेंडरी कोर्स का मुताला अगर हम देखें तो जिसमें हम जो हम चीजें पहले से जानते हैं जो जरूरी हैं उसमें कुछ प्लानिंग करी गई है ठीक है कंटिन्य तैयारी आपकी रहे ठीक है उसके लिए उन्होंने कुछ चीज डिजाइन करी है उसी टीए में उसी सिलसिले की एक अहम कड़ी है टीए में जो है वो आपके कोऑर्डिनेटर्स के थ्रू आप तक पहुंच गया होगा उसकी डेट भी आपको पता चलेगा कि किस दिन आपको सबमिट कराना है तो टीए में की मदद किस तरह से करेगा वो आप में बाकायदा मुताल करते रहने की आदत बेदर हो जाएगी क्योंकि आप जब क्वेश्चन के आंसर लिखेंगे सवालों के जवाब लिखेंगे तो आपको पढ़ना पड़ेगा उसके लिए आप मुतारा करेंगे ठीक है तो आप सेल्फ लर्नर बन जाएंगे और आपको खुद सवालों के जवाब मिलने लगेंगे दूसरा आप मवाद मजमून को बेहतर तौर पर समझ सकेंगे उसको किस तरह से लिखना है ठीक है जैसे आपको कोई आपके मदरसे में कुछ हदीसें दी जाती हैं कुछ भी टॉपिक दिया जाती है आप उसके लिए बहुत सारी किताबों को रेफरेंस करते हैं ना पढ़ते हैं उन किताबों को फिर अपना एक पूरा मज़मून तैयार करते हैं बिल्कुल इसी तरीके से है ये फिर सवाल के तहरीरी जवाब देने की मश्क के जरिए आपको क्या होता है आपकी लिखने की स्पीड इंक्रीज हो जाती है फाइनल इम्तिहान की मशक़ आपकी पहले से हो जाती है उसके अलावा आपको आ, जो आपके टीचर्स होते हैं उनका फीडबैक भी मिल जाता है आप उनसे मदद भी ले सकते हैं जो आपको समझ में ना आए ठीक है उसके अलावा आपने जिस मजमून को इख्तियार किया है यानी कि जो भी आप सब्जेक्ट या टॉपिक पे काम कर रहे हैं उसके लिए आपको मुताले में अपनी पेशर की जांच कर सकेंगे आप चेक कर सकेंगे अपना आंसर लिखने के बाद कितना आंसर आपका सही ही है ठीक है बेटा और उसमें क्या क्या परेशानियां उसके लिए देखिए आजकल मोबाइल सबके पास है जिन सवालत में आपको मुश्किलें पेश आए उसके लिए आप मोबाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये तो आप घर में बैठकर ही बनाएंगे आप ठीक है फिर आप तस्लीम शुदा इदारे ए आई से मुतालिक मुखलिफ मजामी के इस मुलाकात करें उनसे हजब ज़रूरत मुनासर रहनुमाई हासिल करें ए आई क्या है अभी आप कहेंगे मैम अल्फाबेट ए बी सी डी तो आप पढ़ा रही हैं ए आई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसका बहुत ज्यादा दखल है ठीक है पहले क्या करते थे कुछ भी चीज़ ढूंढनी होती थी आज मोबाइल जब हाथ में आया है हम सब चीज़ें गूगल करते थे करते हैं ना और जिनको लिखना नहीं आता वो क्या करते हैं उसका स्पीकर ऑन कर कर अब बता देते हैं भाई चाय कैसे बनेगी ठीक है दाल कैसे बनेगी हम ऐसे करते हैं ना जब हमें मम्मी घर पे नहीं होती हम ऐसे ही उससे काम करते हैं तो वो हमें बोलकर भी बता देता है जिसको हम सुनकर कर सकते हैं अगर हमें पढ़ना लिखना नहीं आता तो ए उससे भी एडवांस टेक्नोलॉजी है ये आपके मोबाइल्स में भी फीचर आ गया है ठीक है आपने अपने मोबाइल्स में अगर देखें तो जहां पे आप अपना व्हाट्सअप ऑन करते हैं तो वहां पर भी एक आपको पर्पल कलर का कासनी पिंक और ब्लू कलर का एक सर्कल नजर आ रहा होगा मीटा ए वन के नाम से आप जब उसको ऑन करेंगे ना इज ए आई इस नाम से जब आप इसको ऑन करेंगे ना तो वहां पर आप अपनी मर्जी से भी जो भी आपको जिस चीज का भी जवाब चाहिए कोई भी दुनिया का कोई भी सवाल है आप सवाल वहां डालिए थोड़ी देर बाद जवाब आप जिस जबान में चाहेंगे आपके पास आ जाएगा ठीक है समझ में आई तो आप इसकी मदद से भी अपने जवाब को बेहतरीन कैसे तैयार की जाए टीएमए के सवाल आपके पास जब आ जाएंगे तो उसके लिए आप आंसर शीट कैसे तैयार करें क्या तरीकाकार हो उसके अंदर आपको आ, हर एक मजमून का एक असाइनमेंट मिलेगा यानी कि एक सवाल मिलेगा आपको सिर्फ चुनंदीदा मजामिन की अपनी खुद की तहरीर में मुकम्मल करनी है जो भी आपको आ, आपको ऑप्शंस दिए गए हैं जो सवाल आपको आसान लगे आप वो करेंगे ठीक है बेटा उसके अलावा आपको जो जवाब लिखने हैं तैयारशुदा शीट को अपने डैशबोर्ड के जरिए ऑनलाइन जमा कीजिए अब देखिए आप बहुत सारे बच्चों को शायद ऑनलाइन जमा करना नहीं आता हो तो वो अपने कोऑर्डिनेटर की मदद ले सकते हैं या वो आपके हार्ड कॉपी में ही वहां जाएंगे ठीक है उसके अलावा टीएमए का फॉर्मेट क्या रहेगा फॉर्मेट यानी कि किस तरह से आपको बनाना है पहले क्या करना है फिर क्या करना है फिर क्या करना है क्योंकि ये फ्री के मार्क्स हैं भाई और फ्री के मार्क्स भी कितने हैं बीस नंबर मायने रखते हैं सौ में से बीस तो ऐसे ही आ गए अगर आपने टीएमए कर लिया तो बाकी बचे अस्सी वहां पर भी मेहनत कर लेंगे ठीक है तो ये बीस मार्क्स फ्री के हैं आप देखेंगे टीम है ट्वेंटी मार्क्स का है सवाल नंबर एक दो तीन छोटे छोटे जवाब हैं इसके छोटे छोटे जवाब कितने नंबर के आप समझ लीजिए ये छोटे छोटे जवाब चालीस से साठ लफ्जों में लिखने हैं ठीक है थीके? उसके बाद सवाल दो के मुताबाद दिए गए जिनमें से आपको सिर्फ एक हर में आपको ऑप्शन दिया गया है या तो ये कर लीजिए या ये कर लीजिए तो दोनों में से जो आसान लगे वो वाला आप कीजिए ठीक है उसके अलावा यानी प्लस टू प्लस इक्वल टू सिक्स मार्क्स तरह सवाल नंबर एक दो तीन के आपके टोटल मिलाकर कितने नंबर हो गए दो दो नंबर का है नंबर का क्लियर है है इतना कोई डाउट तो नहीं है, अभी हम सवाल इंस्ट्रक्शंस होती है ना कुछ तो ये पहले वो इंस्ट्रक्शंस हैं ताकि आपके टीएमए में कोई कमी ना रहे और जो एग्जाम इंचार्ज है जो भी चेकर है वो आपको फुल ट्वेंटी आउट ऑफ ट्वेंटी मार्क्स दे राइट जी बेटा उसके बाद सवाल नंबर चार और पांच जो है वो लेंदी क्वेश्चन है ठीक है उसमें हर एक कितने एक मार्क्स का है चार नंबर का है ठीक है आपको दिए गए दो मुताबादिल इसमें भी आपको ऑप्शन दिए गए होंगे आपकी चॉइस है जो भी आपको आसान लगे वो ही करेंगे आप टोटल ये आठ मार्क्स का है दो सवाल एक दो ठीक है छ और आठ बीस नंबर का है उसके बाद सवाल नंबर छह जो है उसमें आपके दो प्रोजेक्ट होंगे वो प्रोजेक्ट कैसे होंगे बेटा जिनमें आपको सिर्फ एक प्रोजेक्ट करना होगा दो में से एक करना होगा जो आसान लगे होंगे दोनों आसान ठीक है ये सवाल भी पूरा टोटल सिक्स मार्क्स का होता है बेटे ठीक है तो हर एक प्रोजेक्ट वर्क के लिए आपको कुछ इंडिकेशंस कुछ स्टेप्स बताए गए होंगे थोड़ा बहुत हिंट दिया गया होगा वहां पर और आपका जो टीएमए में सबमिट होगा वो आपका कैसे सबमिट होगा पंद्रह जुलाई उसकी सबमिशन डेट है ठीक है लास्ट डेट है उसके बाद कोई डेट नहीं आएगी तो बेहतर यह है आज तारीख क्या है आज है दो तारीख तो आपके पास इनफ टाइम यू हैव बहुत ज्यादा टाइम है आप कर सकते हैं और वो आप वहां पे सबमिट करेंगे आप सबसे पहले तो आपको सोशल साइंस पता है और आपका कोड पता है ठीक है आपको सब्जेक्ट कोड पता होना चाहिए उसके अलावा ट्वेंटी मार्क्स का है ये ये भी ध्यान रखिए आप यहाँ पे जो नोट है उस नोट को पढ़ना जरूरी है सभी सवालों के जवाब देने जरूरी हैं। हर सवा एक सवाल के नंबर इसके सामने दिए गए हैं कितने मार्क्स का है और कितने लफ्जों में लिखना है ठीक है बेटा जवाबी शीट के पहले सफ़े पर ऊपर की तरफ अपना नाम आपका जो रोल नंबर है वो ए आई मरकज का नाम यानी कि जहां से भी ए आई वॉट इज ए आई इफ वी कॉल ए आई देखिए बेटा ये आपका स्टडी सेंटर कह लें या मरकज जो होगा जहां पर आपका एग्जाम होगा आपका जो रोल नंबर आपको मिलेगा ना वहां पर ए आई का नाम लिखा हुआ होगा ठीक है तो परेशान नहीं होगा ये आपके आइडेंटिटी कार्ड पर लिखा होगा आपका क्या कौन सा सब्जेक्ट है वो आपको क्लियर उसमें लिखना है मैंने आपको बता दिया है आपका सोशल साइंस है उसका कोड ये है ठीक है बेटा अब दूसरा क्या पॉइंट है पहला सवाल फर्स्ट क्वेश्चन दर्ज सवालों में से किसी एक जवाब का तकरीबन 40 से 60 अल्फाज में जवाब दीजिए 40 टू 60 वर्ड्स अब एक लाइन में हम अगर देखें तो हमारे 10 लफ्ज आते हैं एक लाइन में हमारे दस लफ्ज आते हैं उसमें से दस ज्यादा भी हो सकते हैं कम नहीं कीजिएगा ज्यादा रख लीजिएगा ठीक है यानी कि अगर साठ है तो सत्तर हो सकते हैं पर ऐसा नहीं है कि आप पचास लफ्जों में लिखकर काम खत्म कर दें कि टल गया नहीं ये फ्री के मार्क्स है फ्री के मार्क्स सबको अच्छे लगते हैं अभी तो आपको इसकी कदर नहीं होगी पर जब आपके एग्जाम में एड होकर आएंगे तो आपको बहुत खुशी होगी कि इतने मार्क्स मुझे पहले से मिल गए तो यहां पर उन्होंने दो सवाल दिए हैं आपको और आपको एक का जवाब देना है सवाल ध्यान से पढ़िएगा एक का जवाब देना है तो पहला सवाल है हड़प्पा तहजीब के जवाल के अहम इसबाब को शफाफ करते हुए वजाहत कीजिए अब इन्होंने यहां पर एक मदद आपकी ये करी ये बता दिया ये दो नंबर का है दूसरा यह बता दिया ये सबक नंबर एक में मिलेगा आपको आपको पूरी किताब छांटनी नहीं पड़ेगी पता तो तो चल गया सबक नंबर एक में मिलेगा पहला सवाल तो यह दिया इन्होंने दूसरा दिया इन्होंने सवाल मजहब और सखावत के मैदान में अहद वस्ता रवाय रिवायतों की एक अजीम तालीफ का गवाह है ठीक है यानी कि रिलीजन एंड इकोनॉमी कल्चर ये जो है वो मिडीवियल पीरियड में कैसा रहा इस बयान का तजिया कीजिए अब ये जो दो सवाल दिए गए हैं जो आपको आसान लग रहा है आप उसमें से एक करेंगे आ गई समझ में तो हम ये वाला सवाल करेंगे और दोनों ही सवाल किस में से हैं सबक नंबर एक में से हैं क्लियर है एनी डाउट कोई डाउट है बेटा कोई शक नहीं आगे चलो ओके okay. अब आपका आता है सेकेंड क्वेश्चन दर्जा जिल में से किसी एक सवाल का जवाब तकरीबन चालीस से साठ अल्फाज में ही देना है आपको दोबारा ठीक है ये भी टूट साइंस जी क्या कह रही हैं आप तो, नहीं है। ले रहे हैं, तो एक मिनट बेटा जिन बच्चों के पास जिन्होंने अपने एग्जामिनेशन में या सब्जेक्ट्स में सोशल साइंस फिल करा है वो बच्चे मौजूद होने चाहिए ये कोऑर्डिनेटर को पता होती है ये बात या मदरसे के इंचार्ज को पता होती है कितने बच्चे ऐसे हैं जो जिनके पास सोशल साइंस नहीं है रेज कैन यू रेज योर हैंड्स यू डोंट हैव वन टू थ्री तो बेटा आपके पास क्या क्या सब्जेक्ट है बेटे पास नहीं मैं ना ये मतलब नहीं है आप मेरी बात सुनिए मैं किताबें नहीं है आपके पास या आपने अपने टेंथ के एग्जाम के लिए इन सब्जेक्ट को ही फिल नहीं कर रखा आपका सब्जेक्ट है पर आपके पास किताबें नहीं है ये है जवाब आ गई समझ क्लियर देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था जिनके पास किताबें नहीं पहुंची आज के दौर इतना आसान दौर है लोग कहीं जाते हैं ना वहां क्या सबूत रखते हैं उनके पास मोबाइल्स होते हैं फोन ठीक है सबसे ज्यादा यूट्यूब्स हैं उसके अलावा रिकॉर्डिंग्स हैं आपके कोऑर्डिनेटर आपको देते होंगे ऐसा तो नहीं आप मोबाइल नाम की इस चीज़ से वाकिफ नहीं है नहीं होंगे ना चलिए वो भी छोड़ दीजिए मैं आपसे कहती हूँ आपके पास किताबें नहीं है आपके पास कॉपीज हैं खाली कॉपीज मैंने आपसे शुरू में ही बोला था मैं आपको सवाल लिखवाती हूँ उसके साथ पेज नंबर पे भी लिखवाती हूँ जहां पर होता है है ना बेटा तो आप इसके लिए परेशान नहीं और मैंने आपको क्या बताया कितना आसान तरीका बताया आप या तो गूगल कीजिए देखिए बहुत सारी सहूलियतें आज मौजूद हैं यू हैव चैट जीपीटी यू हैव ए आई यू हैव गूगल अपनी जबान में डाल दीजिए आपको जो सवाल जबान से बोलकर डाल दें आप कि आपको क्या चाहिए उसका जवाब पूरा लिखा हुआ आ जाएगा आपके पास वैसे हम लोग भी आपको प्रोवाइड करेंगे ये चीजें किताबें नहीं है तो किताबों का कोई इसका वो एक्सक्यूज नहीं है कि मेरे पास बुक्स नहीं है नहीं पहुंची रहता है। नहीं पहुंची वो एल, एक अलग वजह है पर देखिए पुराने जमाने में जब हमारे नबी का जमाना था उस टाइम भी तो उनके पास किसी के पास कोई चीज नहीं थी नहीं थी ना इरा क्यों कहा गया हमारी कौम के लिए हमारे हमारे जो हम हैं हमारे लिए इकरा का अल्फाज क्यों इस्तेमाल करा गया था इसीलिए तो करा गया था ना बेटा कुछ चीज़ें हमारा जहन सबसे बड़े हमारे यहाँ हाफिज कुरान मौजूद हैं आप में भी बहुत सारे हाफिज कुरान मौजूद होंगे हैं ना तो प्लीज ठीक है तो इतना समझ में आया मैंने आसान चीजें बता दी जो आपको मोबाइल में मिलेंगी आप जिसकी मदद से इन सवालों के जवाब आप ले सकते हैं ठीक है बेटा चलिए अब ये भी आपका टू मार्क्स का है इसमें पहला सवाल दिया है उन्होंने अपने इलाके हयाताती तनवो को महफूज रखने के लिए किन ही दो तरीकों की तजवीज दीजिए ठीक है एक सवाल ये है और ये है सबक नंबर ग्यारह में अभी हम सबक नंबर ग्यारह पर नहीं पहुंचे ये भी बताती चलू दूसरा है सबक नौ उम्रों को एक इम्तियाजी आबादी ग्रुप के तौर पर बरतने की जरूरत है यह भी एक किसी की कहावत है किसी ने कुछ कहा है जब देखिए ऐसे वाला निशान लगा हुआ होता है ना इसको कहते हैं इन्वर्टेड कॉमास कि किसी की कही हुई बात बिल्कुल वैसे के वैसे बयान कर दी गई यहां पर देख रहे हैं ये कहलाते हैं इसमें कोई भी आगे पीछे अल्फास का इस्तेमाल नहीं करा जैसा उस बंदे ने बोला बिल्कुल वैसे ही ये है सबक नंबर चौदह से तो इनमें से भी हम कोई सा एक सवाल ले लेंगे जो हम आपको बताएंगे ठीक है वो भी शेयर कर रहे हैं आपके साथ अभी पहले इसका देख लीजिए हर एक में आपको चॉइस दे रखी है चॉइस यानी कि आप अपनी पसंद से कर सकते हैं वो काम ठीक है बेटा फिर आ जाइए सवाल नंबर तीन है दर्जिल में से किसी एक सवाल सब जगह आपको यही बताया जा रहा है ये भी चालीस से साठ अल्फाज में है दो मार्क्स का है छह नंबर होगा यहां तक ठीक है फिर आ जाते हैं बुनियादी फराइज में बुनियादी हकूक की तरह ही अहम है जायजा लीजिए यानी कि इसमें माहौलिया तनजुली का मुकाबला करने के लिए काबिल बरकरारी तरक्की एक जरिया हो सकती है वजाहत कीजिए यह सबक नंबर छब्बीस में है तो इसमें से भी जो हमें आसान लगेगा हम वही आपको बताएंगे ताकि आप सहूलियत से उसको समझ कर लिख सके फिर आता है सवाल नंबर चार दर्दज़ेल सवालों में से किसी एक सब जगह एक अब यहां पर आपकी वर्ड लिमिट बढ़ गई सौ से डेढ़ सौ यानी कि डेढ़ पेज का डेढ़ पेज का तो सवाल का जवाब होगा ठीक है पहला है जोग्राफिया किसी भी समाज की जिंदगी और तारीख को तश्कील देने में अहम किरदार अदा करता है राइट इसको वाजे कीजिए यह आपका जो जीरो चैप्टर था सबसे पहले जिसमें हमने तारुफ करवाया था आपका तारीख से जोग्राफिया से सिविक्स से ठीक है पॉलिटिकल साइंस से ये उस चैप्टर में है उसके बाद इसी में दूसरा है अपने आसपास के इलाकों में किसानों को दरपेश किन ही चार चैलेंजेस की पहचान कीजिए किसानों की हालत में बेहतरी के लिए हर एक चैलेंज के लिए हल भी पेश कीजिए सॉल्यूशन भी दीजिए आप उसके साथ साथ सबक नंबर बारह फिर है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन एक ही सवाल करना है हंड्रेड टू वन फिफ्टी वर्ड्स हैं ये सारे आपके पास सिर्फ अभी सवाल हैं इनके जवाब भी दिखाती हूं मैं आपको ठीक है ये है आपका पहला है तीन सतही साथ में दही मकामी खुद मुख्तार हुकूमत के किरदार और जिम्मेदारियों का जायजा लीजिए यानी कि जो कस्बे वगैरह हैं वहां पर किस तरह का निजाम इंतजामिया है किस तरह से हुकूमत की जाती है कितने लेवल्स होते हैं उसकी वजाहत कीजिए फिर आता है आपका दूसरा सवाल एक मजबूत कौम के क्याम के लिए सेकुलर उसूलों की जरूरत का तजिया कीजिए सबक नंबर अट्ठारह सबक नंबर चौबीस तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि आपको सबक के बारे में बता दिया है उस सबक में आप ऐसा नहीं है टामक टूईया मार रहे हैं आप पूरी पूरी किताबें ढूंढ रहे हैं उसके लिए आपको वो सबक नंबर दे दिया आप वहां से बासानी ढूंढ सकते हैं और ये फोर मार्क्स का है अब जो आपका छठा सवाल है वो प्रोजेक्ट बेस है और एक ही करना है दो प्रोजेक्ट हैं पहला प्रोजेक्ट हम देख लें अपने इलाके में जहां आप रहते हैं वहां के दस घरों का सर्वे कीजिए सर्वे मतलब उनके पास जाइए तीन हम उम्र ग्रुपों में उम्र की तरकीब जानने की कोशिश कीजिए कितनी उम्रों के बच्चे वहां पर रहते हैं ठीक है सर्वे दर्ज फॉर्मेट में उसका जुदूल यानी कि फॉर्मेट यहां दे रखा है उन्होंने उसमें उन्होंने फॉर्मेट क्या दिया वन टू थ्री चार तीन बच, आपको बच्चे मालूम करने हैं तीन ग्रुप्स यहां पर यही दे रखा है और उम्र का ग्रुप क्या है जीरो से चौदह महीने साल नहीं महीने जीरो से चौदह महीने पंद्रह से पचास और दस और उससे ज्यादा ठीक है बेटा तो उसमें सब ने? आ गए जी बेटा कुछ कहना है बेटे अच्छा तो समझ में आया आपको यानी कि इसमें बच्चे भी हो गए बूढ़े भी हो गए और जो Uh, आपके टीन होते हैं वो भी हो गए क्लियर फिर इसमें जेंट्स कितने हैं मर्दों की तादाद कितनी है इस कैटेगरी में इस कैटेगरी में इस कैटेगरी में औरतों की तादाद कितनी है दोनों कैटेगरीज में ठीक है बेटा अब कुल का फीसद तो मर्दों की हम परसेंटेज रखेंगे यहां पर और औरतों की परसेंटेज रखेंगे क्लियर है ये ये इनका पहला प्रोजेक्ट है ठीक है बस आपको ये आपको दस घरों में जाके ये विजिट करना है अब इस पे सवाल क्या बनेंगे जो आपको जुदूल दे है जुदूल में पैदा करदा मालूम की बुनियाद पर मर्द और औरतों ग्रुपों में इसार का तनासुप के कम या ज्यादा होने का खानदानों के मैार जिंदगी पर क्या असर पड़ता है जिस घर में औरतें कम हैं वहां की क्या कंडीशन है जहां पर ज्यादा हैं जेंट्स वहां क्या क्या कंडीशन है किसके पास पावर है खानदानों के मेम्बरों से बातचीत की बुनियाद पर एक रिपोर्ट तैयार कीजिए और ये आपके सबक नंबर चौदह में है यह आपका पहला प्रोजेक्ट है आपको देखने से सुनने से आसान लग रहा होगा चलिए दूसरा प्रोजेक्ट है हमारा दो का और दस वोटरों के का यानी के जिन्होंने इलेक्शन लड़ा और दस वोटरों के दरमियान एक नमूना इंतख्या का एहतमाम कीजिए ठीक है उम्मीदवारों से दर्जा झेल सवाल पूछेंगे आप जो जो उम्मीदवार हैं आप उनसे कुछ सवाल पूछेंगे भाई आप क्या करेंगे जब अगर आप जीत गए तो और अगर आप नहीं जीते तो क्या करेंगे ठीक है और इन जवाब को नोटबुक नोट, नोट कीजिए और अमल को मुकम्मल करने के बाद अपनी दरियाफ्त लिखें आपका पहले जो कैंडिडेट है उसका क्या जवाब रहेगा दूसरा कैंडिडेट जो खड़ा हुआ है उसका क्या जवाब रहेगा नमूना इलेक्शन के लिए दरकार जरूरी अशिया की फहरिस्त नमूना यानी कि उनका जो सिंबल है निशान है आपको पता है आपका क्या निशान है आप एक पार्टी है ना क्या निशान है उसका केजरीवाल की जो पार्टी है आप उसका क्या निशान है <laughs> नहीं पता समाजवादी का क्या निशान है नहीं पता अच्छा मुझे आप बताइए आपने कांग्रेस का नाम सुना है अच्छा कांग्रेस का क्या निशान है <laughs> जी बेटा <laughs> <laughs> जी पंजा <laughs> पंजा तो ऐसा हाँ पंजा नहीं है हाथ है ठीक है ऐसा वाला निशान है और बीजेपी का क्या निशान है कमल है और आप केजरीवाल का क्या निशान है अगर आप खबरें सुनते हैं अगर आप दिल्ली से नहीं हैं तो आपको कुछ आइडिया आपका अगर नाम सुना है उसका निशान है झाड़ू ठीक है ऐसे आपका जो इलाका है वहां पर जो पॉलिटिकल पार्टीज होंगी उनके अलग अलग निशानात होंगे होंगे ना तो यहां पर उन्होंने यही बताया है फिर उसके नतीजा क्या रहा अब यहां पर देखिए रोजगार पैदा करने के लिए आपका आ, आप का रोड मैप क्या है अब उन्होंने पूछ ये सवाल है ये पूछ रहे हैं ये पूरा चार्ट बना हुआ है ये इनसे पूछ रहे हैं आप रोजगार किस तरह से मुहैया करेंगे तो ये लोग किस तरह का जवाब देंगे क्या क्या होगा ठीक है उसके अलावा आप तालीम के मैार को अच्छा बुलंद करने के लिए क्या करेंगे ये इन दो कैंडिडेट से सवाल है जो खड़े होंगे इलेक्शन में वो बताएंगे भाई मैं ये करूंगा मैं ये करूंगा फिर आप क्योंकि यही बहुत बड़ी चीजें हैं सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट फिर है एजुकेशन फिर है पावर्टी यही हमारी बेसिक नीड्स हैं ठीक है ना yes. ठीक है बेटा तो ये आपका दूसरा प्रोजेक्ट हो गया क्लियर है इसमें आपको कोई जवाब नहीं देना पर आपको ये बनाकर इस तरह से आपको चेक करना है आप अपने इलाके में अपने इलाके के हिसाब से जो भी आपके कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं इलेक्शन में किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं वो आपको करना है तो अभी आपने इतने तो सवाल तो देख लिए, अब इनके जवाब कैसे लिखे जाएंगे वो भी देख लीजिए सर जी बेटा ये के अंदर बनाना है। हाँ ये बॉक्स अगर अगर आप ये वाला सवाल का जवाब देंगे तो आपको इसी तरह से ये बॉक्स बनाना होगा बेटे ठीक है और इसको आप बनाएंगे ए साइज शीट पर ए साइज शीट क्या बोलू ऐसी शीट नजर आ रही है आपको ये दिस इज कॉल्ड ए फोर साइज शीट अब ये आपको वाइट कलर में भी मिलती है कलरफुल भी मिलती है यहाँ पे साइड पे पैटर्न भी होते हैं डिजाइन भी होते हैं और ये आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह से प्रेजेंट करना चाहते हैं क्लियर चलिए अब आप देखिए जो आपका पहला सफा होगा उसमें या तो आप ये इस तरह से प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा नहीं तो आप वहां पे लिखेगा ट्यूटर सेशन 2023 एंड 24 बट आपका सेशन क्या है इज इट द सेम सेशन सर इट इज द ओनली सेशन 23 ना और oh, सॉरी 24 okay. यही है तो 23 क्यों आएगा अच्छा अच्छा तो आपका सेशन यही रहेगा बेटा क्लियर है ऐसे ही लिखना है ठीक है उसके बाद क्या बेटे ये आपका पहला सफा है उसके बाद आप यहां पे लिखेंगे अपना नाम फॉर मेरा नाम है ये ठीक है और फिर हम अपने फादर नेम भी लिख देंगे उसके बाद जो भी आपका रोल नंबर है जो भी नंबर होगा आपका आपने वो लिख दिया फिर आप कहां से हैं टेंथ क्लास कौन सी है सेकेंडरी टेंथ सोशल साइंस आपका कोड आ गया वहां पर ए आई सेंटर और उसका कोड ये आपके आइडेंटिटी कार्ड पर होगा ठीक है फिर आपका आता है स्टडी स्टडी मीडियम मीडियम यानी कि किस जबान में आप पेपर देंगे आप अगर उर्दू में दे रहे हैं उर्दू If you are giving it in English. ठीक है बेटा ये आप पे डिपेंड करता है आपने सारे पेपर किसमें दिए हैं कौन सी आपने मीडियम में फिल करिए फिर यहां पर आ जाएंगे आपके सिग्नेचर क्लियर ये पहला सफा आपका तैयार होगा हाँ हाँ यू हैव टू साइन योर अपना नाम लिख दीजिए आप हर एक अपने साइन टेंथ में तो बच्चा इतना समझदार नहीं होता बेटा उसको पता नहीं होता साइन कैसे होते हैं पर वो अपना नाम इनिशियल्स कर देता है चलिए अब देखिए ये आपका सोशल साइंस का है अब आपकी ये अलग शीट है जैसे मैंने आपको अभी दिखाई ना ये सेपरेट शीट ऐसे सेपरेट शीट वो एक शीट थी अब ये दूसरी शीट है यहां पर आपने ऊपर लिखा सोशल साइंस पूरा मार्क करा ट्यूटर मार्क्ड असाइनमेंट लिखा आपका पहला सवाल है इन्होंने मैंने आपको अभी सारे हर उसमें दो दो सवाल के जवाब सवाल दिखाए जिसमें से एक आपको करना है तो यहां पर हमने पहला सवाल लिया है हड़प्पा तहजीब के जवाल के अहम इसबाब को शफाफ करते हुए वजाहत कीजिए अब इसका जवाब आप देख रहे हैं यह जवाब था चालीस से साठ वर्ड में अब आप देखिए इसका जवाब कितना आया है यानी कि ये आपका जवाब आया है एक पेज में देख रहे हैं आप लोग ठीक है बेटा तो इस तहजीब के जवाल की निहायत अहम वजह कुदरती आफात को समझा जा सकता है बार बार आने वाले सैलाब बार बार आने वाले सैलाब नदियों के सूख जाने मिट्टी के जरखेजी में कमी आने लकड़ी की मुस्तकिल खपत के इसबाब अजाल जंगलात जंगलों का सफ़ाया जलजले बारिश की कमी ये नेचुरल डिजास्टर्स है ठीक है रेगिस्तान का फैलाव लगता है इस तहजीब की तबाही का सब सबब बने कुछ दानिश्वरों और माहिर आसार कदीमा के मुताबिक मेसोपोटामिया के साथ बैरूनी तजारत में कमी इस तहजीब के जवाल का सबब हो सकती है ये इसका आंसर मिल गया कितनी लाइन्स में आंसर एक दो तीन चार पांच छ सात मैंने क्या कहा था आपको एक लाइन में टेन वर्ड्स हो सकते हैं राइट चालीस का है या साठ और मैंने आपसे कहा था साठ से कम ना हो साठ से दस ज्यादा हो सकते हैं ठीक है ना तो ये सात सेवंथ लाइन है पहली लाइन दूसरी तीसरी छठी और साथ में यानी कि साठ से कम ना हो साठ से एक लाइन ज्यादा हो सकती है समझ में आ रही है आपको मेरी बात क्लियर है बेटा एनी डाउट नो डाउट ओके फाइन चलिए अब आ जाता है हमारा दूसरा सवाल अपने इलाके हयाताती तनोह को महफूज रखने के लिए किन ही दो तरीकों की तजवीज दीजिए नेचुरल रिसोज के बारे में बात हो रही है यहाँ पर ठीक है इसमें बढ़ती आबादी और इंसानी तर्ज जिंदगी में आई तब्दीली से कुदरती वसाइल का कमर्शल इस्तार हो रहा है इसके नतीजे में हयाती तनवु कम होती जा रही है नेचुरल रिसोर्स कम हो रहे हैं जो कुदरती चीज़ें अल्लाह तला ने हमें दे रखी हैं हयाताती तवों को बचाने के लिए हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए जिससे माहौल को खुशगवार और मट्टी के कटाव को रोका जा सकता है दूसरे हमें अपनी जरूरत जिंदगी के सामान में प्लास्टिक के सामान को कम करना पड़ेगा हमें ऑर्गेनाइज ऑर्गेनिक सामान का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए जो माहौल को आलौदा होने से महफूज रखेगा अब जरा ये भी देख लें यह भी कितने उसमें दिया गया है एक दो तीन चार पच छत साठ से कम नहीं है यही देख लीजिए आप कभी आप सोचें भाई साठ चालीस से साठ बोला है तो चालीस लफ्जों में लिख के छोड़ दू मैं आंसर मार्क्स नहीं मिलेंगे दस ज्यादा हो सकते हैं क्लियर है फिर आ जाते तीसरे सवाल पर तीसरा सवाल है हमारा ये भी आपका बुनियादी फराइज में बुनियादी हकूक की तरह ही अहम है जायजा लीजिए ये आपका सवाल आ गया फंडामेंटल ड्यूटीज एंड फंडामेंटल राइट्स बोथ आर इंपॉर्टेंट हर हक़ के बदले में समाज अपने शहरियों से तो रखता है कि वो बास ऐसी चीजों को अंजाम देंगे जिन्हें मजमू तौर पर फराइज के तौर पर जाना जाता है कुछ ऐसे अहम फराइज हिंदुस्तानी आइन में आइन कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन को अभी राहुल गांधी ने शपथ ली है ठीक है लोकसभा में तो कैसे ली थी शपथ क्या चीज थी उनके हाथ में किसी को पता है राहुल गांधी के हाथ में क्या चीज थी वो एक रेड कलर की बुक थी छोटी सी उनके हाथ में नहीं पता वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की किताब एक कॉपी थी ठीक है बेटा वो उनके हाथ में वो कॉपी थी जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लोगों के राइट्स एंड ड्यूटीज बताए थे एवरीबडी इज इक्वल इन द इक्वल इन द आईज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है जी बेटा yeah, सकते हैं? हाँ बिल्कुल देखो मैं आपको बोलू एक पेज पर एक ही सवाल कीजिए खूबसूरती से प्रेजेंट कीजिए राइटिंग में ठीक है दोनों तरफ मार्जिन छोड़िएगा ये जो आपकी ए फोर साइज शीट में दिखा रही हूँ ना इसमें कोई मार्जिन नहीं होता ये बिल्कुल प्लेन होती है पर ऐसी वाली भी आती है जिनके ऊपर मार्जिन होता है बॉर्डर बना हुआ होता है अगर बाई चांस आप यही वाली इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप पे, आ, अपने पेन pen, पेंसिल और स्केल से इसका मार्जिन ड्रॉ कर सकते हैं मार्जिन हाशिया तो पता है ना आपको हाँ वो ड्रॉ करके फिर कीजिए आप ये लाइंस वाली भी आती हैं विदाउट लाइंस वाली भी आती हैं क्लियर है बेटे आइए जवाब काउंट कर रहे हैं कि स्टार्ट हो गए 40 हो गए ये तो आपको हम पूरा भेजेंगे आपको बेटा आपको तो सिर्फ इसको कॉपी डाउन करना है मैम चाहिए हमारे पास इंशाल्लाह पर आप वक्त से पहले काम करके रखिए खूबसूरती के साथ ताकि जो इन्विज... जो भी चेकर है ना वो पढ़े बगैर आपका छोड़े नहीं और आपको फुल मार्क्स दे समझ में आ रही है ना ठीक है तो 26 जनवरी 1950 को नाफेज किए गए अस, असल आइन में शहरी आ, के फराइज के बारे में किसी तरह का जिक्र नहीं था 1950 में जो कॉन्स्टिट्यूशन आया था जब उसमें कोई उसमें वो नहीं था उसका आ, बात नहीं थी हर शहरी से ये तो की गई थी कि आज़ाद हिंदुस्तान में वो खुशी खुशी अपने फराइज अंजाम देगा लेकिन हजब तो ऐसा कुछ नहीं हुआ जब उनके फ़राइज बताए ही नहीं गए तो उन्होंने करे भी नहीं भाई जब कहा नहीं मुझसे काम तो मैं क्यों करूं होता है ना ऐसा मैम आपने तो बताया नहीं था तो हम क्यों करते कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना मैम के बताए बगैर अल्फाज मायने पहले लिख के रख लेते हैं पहला सवाल करके रख लेते हैं मैं बच्चों से क्या कहती हूँ जब मैं चैप्टर पढ़ाना शुरू करूं तो आप क्या करेंगे अपनी कॉपी में सबसे पहले तो खूबसूरत खूबसूरत एक ड्रॉइंग बना के रखेंगे उस चैप्टर से रिलेटेड उसके बाद आप अल्फाज मायने लिखेंगे उसके बाद पहला सवाल लिख कर रखेंगे तो बच्चे मेंटली तैयार होते हैं उस चीज के लिए ठीक है इसलिए फिफ्टी यानी यानी बावनवी आईनी तरमीम के जरिए नाइनटीन सेवेंटी सिक्स में आर्टिकल फिफ्टी वन ये आर्टिकल्स भी हम पढ़ेंगे आर्टिकल फिफ्टी वन ए के तहत आइन के चौथे हिस्से में बुनियादी फराइज फंडामेंटल ड्यूटीज शामिल किए गए ठीक है अब देखिए ये सवाल हमारा कितना है ये भी इतना ही है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन थोड़ा सा ये आंसर ऐसा था इसलिए एक्सपेंड करेगा ये तेरह लाइनों में आंसर समझ रही हैं आप ये तेरह लाइनों में आंसर है तो थोड़ा बहुत ज्यादा हो सकता है पर कम मत कीजिएगा पर ऐसा भी नहीं है कि आपका सवाल का जवाब खत्म हो गया पर आप एक्स्ट्रा में लिखे चले जा रहे हैं लिखे चले जा रहे हैं ऐसा भी नहीं होना है ठीक है जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपने इंक्लूड कर दिए उसमें अब यहां पर आपका आ गया वन फिफ्टी टू हंड्रेड वर्ड्स इसके अंदर सवाल है जोग्राफिया किसी भी समाज की जिंदगी और तारीख को तश्कील देने में अहम किरदार अदा करता है वाजे कीजिए अब कैसा क्या रोल प्ले कर रहा है जोग्राफी हमारी जिंदगी में है जैसे मजमून का होना बेहद लाजमी है मैं आपको यह इसलिए पढ़ के सुना रही हूं आपको भेज भी दिया जाएगा ताकि आप लोग ये ना समझें कि मैं हमने क्या पढ़ा कुछ हैंड राइटिंग अगर आपकी समझ में ना भी आए तो राइट जोग्राफिया के बगैर तारीख और आसारियत का मतलब करना या उसे समझना अधूरा रहता है जोग्राफिया जमीन के मन, मनाजिर लोगों मकामत माहौल का एक मतलब है सदा मायने में ब, आ, ये इस दुनिया के बारे में मालूम हासिल करना है जहाँ हम रहते हैं हमारे अतराफ़ के बारे में जोग्राफिया इस मायने में मुनफरद है कि ये माहौल का कालूम नेचुरल साइंस है ठीक है तबीयी जोग्राफिया के साथ सोशल साइंस इमिल इंसान को जोड़ने का काम करता है इंसानों को इस तरह किसी भी समाज की जिंदगी और तारीख को तशक शक्ल देने में जोग्राफी एक अहम किरदार निभाता है ये आम दुनिया की सकाफतों के सियासी निज़ामों माशियत ज़मीनी मनाजिर और माहौल में फ़र्क को शनाख्त करने में हमारी मदद करता है अब देखिए इसका आंसर डेढ़ सौ अल्फाज में लिखना है एक पेज हमारा पूरा यहाँ कंप्लीट हो गया ठीक है दूसरा पेज भी इसका आंसर है दो पेजेस हो गए यानी कि 100 से डेढ़ सौ अल्फाज आपके दो पेजेस में आएंगे समझ में आ गया ओके नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर फाइव ये भी आपका 100 से डेढ़ सौ अल्फाज में है तीन सतह ही थ्री टीयर लोकल गवर्नमेंट तीन सतही साख्त में दही मकामी खुद मुख्तार हुकूमत के किरदार और जमींदारों का जायजा लीजिए जिम्मेदारियों का जायजा लीजिए सॉरी तो यहाँ पर हिंदुस्तान में मकामी हुकूमतें दो तरह की होती हैं अब हिंदुस्तान में मैंने जब हम इस चैप्टर तक पहुँचेंगे तो हम आपको बताएंगे कि हिंदुस्तान की हुकूमत किस तरह से होती है हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है ये सबको पता है अट्ठाईस इसमें स्टेट्स हैं और आठ यूनियन टेरिटरीज़ हैं अब एक जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो अकेले तो सबको नहीं देख सकते तो जैसे एक उस्ताद या एक प्रिंसिपल पूरे मदरसे को नहीं देख सकता एक प्रिंसिपल पूरे स्कूल को नहीं देख सकती तो वो क्या करती है टीचर्स को अपॉइंट करती है. आपके अलग अलग टीचर्स होंगे ना अलग अलग सब्जेक्ट के आपके अलग अलग लेवल के अलग अलग टीचर्स होंगे तो वो ये सारे काम करते हैं किस तरह से होता है वो यहां पर इन्होंने इसमें इस सवाल में हमको बताया है ये पंचायती निजाम माजी में अदलिया का काम भी करती थी मकामी तनाजात और दीगर मसाइल भी पंचायतों के पास भेजे जाते थे अगर आप जिस किसी कस्बे के आसपास रहते हैं या आपके लिंक में कोई ऐसा है जो किसी कस्बे वगैरह में रहता है वहां पे कभी कुछ तनाजात पैदा हो जाते हैं तो उसको सुलझाने के लिए कोई सीधे कोर्ट कचहरी नहीं जाता उसके लिए पंचायत बिठाई जाती है आप पंचों को जानते होंगे है ना तो आपके इलाके में होंगे नहीं तो आपके रिश्तेदारों का जो कोई अगर रहता है तो वहां पर तो वहाँ पे पंच बैठते हैं उन पंचों में सिर्फ एक अकेला आदमी नहीं होता पांच छह लोग होते हैं पूरी कमेटी होती है वो बैठते हैं वो दोनों फरीकों की बात सुनते हैं फिर ये देखते हैं कि उनका मसला किस तरह से सुलझाया जा सकता है तो यही काम था ठीक है उसके अलावा और उनके फैसलों का एहतराम सभी के जरिए किया जाता है सबको रिस्पेक्ट करनी होती है जो भी फैसला वो लेंगे उसकी रिस्पेक्ट करनी है महात्मा गांधी जैसे हमारी कौमी रहनुमा को इस निज़ाम पर पक्का अहतम था फादर ऑफ नेशन को हमारे मुल्क के आइन साज इस निज़ाम को बहुत अहम समझते थे और उन्होंने इसके लिए रियासती पॉलिसी हिदायती असूलों में अहतमाम किया था बहुत इसको जगह दी थी कॉन्स्टिट्यूशन में भी ठीक है आइन में बयान किया गया कि रियासत दही पंचायतों को मुंजिम करने के इकदाम करेगी मुनजिम यानी कि प्लान करेगी उनको और अच्छा बनाएगी और उन्हें ऐसे इख्तियार और इकदार की तफीवीज भाई प्रिंट कलर थोड़ा सा हल्का है करेगी जैसे कि मकामी खुद मुख्तार हुकूमतों की इकाइयों इकाइयों के तौर पर जरूरी हो सकता है ठीक है बेटा तो यहाँ तक यहां पर आप देखिए इन्होंने क्या क्या काम कर सकती है पंचायत क्या क्या काम करती है वो लाइट का इंतजाम होगा पंचायती समिति होगी उसको उन्होंने कुछ पॉइंट्स में लिखा है तो ये सवाल भी आपका दो पेजेस में आया है लास्ट हमारा है हमारा क्या है प्रोजेक्ट जो हमें एक करना था ठीक है अपने इलाके में जहां आपको दस घरों में जाना था और उन बच्चों को देखना था देखिए बिल्कुल टेबल बनी हुई है आप अगर यही सवाल करेंगे तो स्केच पेन का इस्तेमाल कीजिएगा या पेन का इस्तेमाल कीजिएगा और हां एक चीज बताते चलू रेड पेन कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे आप अपने असाइनमेंट में रेड पेन सिर्फ टीचर इस्तेमाल करती है ठीक है आप ब्लैक कलर और ब्लू कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं हेडिंग्स के लिए आप ब्लैक का इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर आप आ, आंसर्स दे रहे हैं तो आप उसके लिए ब्लू कलर का कर इस्तेमाल कर करेंगे क्योंकि बच्चे स्टूडेंट्स कभी भी रेड कलर का इस्तेमाल नहीं करते राइट इसका ध्यान रखिएगा बॉक्स प्रॉपरली बनाइएगा उसके बाद जीरो से चौदह महीने तक के बच्चे कितने हैं उनमें मर्द कितने हैं यानी कि लड़के कितने हैं लड़कियां कितनी हैं उनकी परसेंटेज यहाँ सब लिखी हुई है ठीक है ये सब चीजें आपको मिलेंगी डोंट वरी फॉर दैट अभी समझ लीजिए ऐसा नहीं है देखिए यहां पर ये लाइन टू लाइन नहीं है आप लाइनिंग वाली लीजिएगा रूल्ड शीट लीजिएगा रूल्ड शीट प्लेन शीट्स नहीं लीजिएगा ए फोर साइज रूल्ड शीट लीजिएगा ये प्लेन है इस पर लाइनें नहीं है जिस पे लाइनें होती हैं उसको रूल्ड शीट कहा जाता है आप स्टेशनरी शॉप पर जाएंगे वो आपको दिखा देगा आपको कैसी शीट चाहिए वो बोलेगा अगर आपको लिखना है तो वैसी शीट्स देगा आपको अगर आपको पिक्चर वगैरह पेस्ट करनी है तो आपको ऐसी भी देगा क्योंकि ये वाली जो शीट्स होती हैं एक तरफ से ये रूल्ड होती हैं एक तरफ से इनमें लाइंस होती हैं राइट आपको ये चीज इन्होंने रेशो शो करी आ, पचास से और या उससे ज्यादा तो ये चार है उसके अलावा छह औरतें हैं इसके अंदर फोर्टी टू सिक्सटी का रेशो है ये फोर्टी टू सिक्सटी का रेशो है तो यहां पर उसके बाद आपको अपना तजिया करना है उनका आपको चेक करना है उनके घर वालों से बातचीत करके एक अपनी रिपोर्ट तैयार करके देनी है वो रिपोर्ट क्या होगी जिन घरों में लोग तालीम याफ्तः हैं उनकी हालत जिन्द, हालत ज़िंदगी ज़्यादा बेह, बेहतर नज़र आती है वो लोग अपने बच्चियों को भी सही से तालीम दे पा रहे हैं ये आप नोट करेंगे उनके घर की कंडीशन से जब इंक्वायरी करेंगे उनकी सेहत का भी सही ख्याल रखा जाता है अच्छा एक बात तो बताइए सही लिखा कैसे जाता है ऐसे right? ही लिखते हैं सही सीन से तो नहीं आता सही तो कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है आंखें बंद करके नोट डाउन नहीं करेंगे राइट रीड इट एंड राइट डाउन द करेक्ट स्पेलिंग जिन घरों में लोग

ठीक है बेटा तो उनके बच्चे तालीम से महरूम हैं और उनकी सेहत भी अच्छी नहीं है तो ये हमारे फ्री के बीस मार्क्स हैं जो हम कमा सकते हैं तो अब आपने देखा था जो हमने अपने पिछले सबक में यानी कि सबक नंबर पांच में हमने देखा था सॉरी स्टूडेंट्स उसमें हमने ये देखा था किस तरह से जो बर्तानिया था उसने किस तरह से यहाँ के लोगों को सप्रेस करा था यानी कि दबाना शुरू करा था फिर उसके साथ साथ उसने कबायली लोगों पर भी जुल्म ढाए थे जो जगह ऐसी थी जंगलात थे वहां पे जो जो चीज़ें मुहैया थी मिल रही थी उन पे भी कब्जा करा था यहाँ से चीज़ें लेकर जाते और उनसे बेहतर मुनाफ बेहतरीन मुनाफा लेकर और उसको अपने पास रखते और यहाँ वालों को उन्होंने क्या कर दिया था उनको हर तरह से परेशान कर दिया था चाहे वो सिपाही हो चाहे वो किसान हो चाहे वो बर्तन बनाने वाला हो चाहे वो कामगार हो कोई भी हो ठीक है तो अब जो हमारा नया सबक है उसमें हम देखेंगे रिलीजियस एंड सोशल अवेकनिंग इन कोलोनियल इंडिया यानी कि नौ आबादियाती हिंदुस्तान में मजहबी और समाजी बेदारी अभी जो आपने टीए में करा था टीए में एक सवाल यहां से भी दिया गया था ठीक है ना तो आप देखते हैं यहां पर देखिए मैं आज थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दे रही हूं एक तेरह साल की लड़की मीमी -मी, इसका नाम है क्या है मीमी -मी, और इसकी दादी के दरमियान होने वाली बातचीत दादी और पोती बातचीत कर रही हैं उसमें कहती है मीमी -मी, दादी आप कौन से कॉलेज जाया करती थी दादी मुस्कुराते हुए मेरी बेटी मैं कभी कॉलेज गई ही नहीं मैंने सिर्फ छठी क्लास तक पढ़ाई की और उस उस वक्त शादी हो गई जब मैं तुम्हारी उम्र की थी यानी कि अपनी पोती को ये वाली बात बता रही है उन्होंने सिर्फ सिक्स क्लास तक पढ़ाई हासिल करी तो मैं दुख हैरत के साथ तेरह साल में आपने सिर्फ सिक्स क्लास पढ़ी और वो भी तेरह साल में आपकी शादी हो गई ये तो गैर कानूनी है शादी की क्या उम्र है कोई बताएगा मुझे गवर्नमेंट की तरफ से क्या ऑर्डर्स हैं शादी के लिए अगर लड़की की उम्र कितनी हो इक्कीस लड़की की अट्ठारह आई थिंक ठीक है ना और लड़के की इक्कीस इफ आई एम नॉट रॉन्ग हाँ ठीक है अब आप ये देखिए इनकी दादी की शादी तेरह साल की उम्र में हो गई जब वो सिर्फ उन्होंने सिक्स क्लास करी थी राइट right? सिर्फ सिर्फ सिक्स क्लास करी थी तो बच्ची ने क्या कहा एक छोटी सी बच्ची को भी उनकी पोती को भी ये पता था कि ये गैर कानूनी है क्या आपने एहतजाज नहीं किया आपने कहा नहीं किसी से मेरी शादी क्यों कर रही है इतनी छोटी उम्र में उस छोटी बच्ची को पता है कि जुल्म हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए तो दादी इस जमाने में हालत से मुख्तलिफ थे और मेरी कई सहेलियों की शादियां इसी उम्र में हो गई अब दादी ने अपने साथियों के बारे में भी बताया कि उनकी भी शादियां उस एज में हो गई थी प्लीज पे अटेंशन टू द क्लास आई जस्ट रिक्वेस्ट यू पीपल इस बातचीत से मिमी को दादी के बचपन में क्या पता चला समाज में राज रिवाजों के बारे में यानी कि उस वक्त का जो समाज था उसमें कौन कौन से रिवाज थे छोटी उम्र में बच्चियों की शादियां कर दीं उनको पढ़ने नहीं दिया गया उनकी पसंद की कोई चीजें नहीं होती थी इसके इसे इस बात पर भी हैरत थी कि वक्त के साथ साथ हालत कैसे बदल गए टाइम कितनी जल्दी तब्दील हुआ तब्दीलियां लाने में तब्दीलियां कौन लेकर आते हैं वो कौन लोग होते हैं जो तब्दीलियां लेकर आते हैं आपके हमारे घरों में कोई ना कोई एक ऐसा बंदा होता है या तो वो घर से बाहर जाता है या शहर से बाहर जाता है और उसके साथ तब्दीलियां हमारे घर में आती हैं हम पहले चूल्हे पे लकड़ी पर गैस पे उन पर हम खाना पकाते थे आहिस्ता आहिस्ता हमारे घरों में बायोगैस आई आहिस्ता आहिस्ता हमारे घर में कुकिंग गैसेस आई ठीक है थीके? अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे तब्दीलियां आती जा रही हैं इंडक्शन पे काम कर रहे हैं लोग कर रहे हैं राइट right? उसी के साथ मिमी इन सब के बारे में और मजीद जानना चाहती थी इस सबक में आप हाँ पढ़ेंगे कि हिंदुस्तान में 19वीं सदी और बीसवीं सदी में किम इसलाहत को मुतारफ कराया गया यानी कि ये जो सबक है इसमें हम देखेंगे क्या क्या चीजें सामने आई क्या क्या तब्दीलियां हुई राइट चलिए देखते हैं इब्तदाई 19वीं सदी का समाज कैसा था उन्नीसवीं सदी में सोसाइटी किस तरह की सोसाइटी थी वो देखेंगे हम समाज की तरक्की में जो दो बड़े सामाजिक इस्बाब रुकावट बनी थी वो क्या क्या थी एक तालीम में कमी थी एजुकेशन सिस्टम दूसरा औरतों के कम हैसियत तालीम तो थी नहीं उसके अलावा औरतों के लिए भी क्या हालत थी उनको भी कोई वैल्यू नहीं थी ठीक है समाज में उनकी भी कोई हैसियत नहीं थी वो तो हमारे जब इस्लाम आयता पर हमारे नबी आका वसल्लम ने कितनी रिस्पेक्ट दिलवाई औरतों को बहसीियत बीवी बहसीत बहन बहसीियत माँ और बेटी है ना ये रिस्पेक्ट सिर्फ हमारा मजहब है जो ऐसा है जो औरत को ये रिस्पेक्ट देता है राइट हिंदुस्तानी समाज के मुतद तबकात के इस सिलसिले में बहुत सख्त है बहुत सख्त कहते हैं रिजिट को जिसमें कोई तब्दीली नहीं कर सकता पसंद ही नहीं करते तब्दीली भाई है तो है ऐसा हमारी बच्ची बाहर नहीं जाएगी नहीं जाएगी आगे पढ़ने के लिए चाहे वो कितनी भी इंटेलिजेंट हो घर वालों ने बड़ों ने मना कर दिया नहीं पढ़ेगी पर हमारा दीन क्या कहता है उनको भेजना है अगर तालीम हासिल करनी है तो आप बच्चों को चीन भी भेजिए राइट उसके अलावा तालीम की कमी से क्या हुआ ये पहली कमी थी तालीम की कमी से क्या हुआ हिंदुस्तान में भी तालीम ऊंची जात से मुतालुक रखने वाले मुट्ठी भर लोगों तक ही महदूद था हमने पढ़ा था वर्ना सिस्टम मैंने आपको शायद थोड़ा बहुत बताया था जिसमें जो ब्राह्मण होते हैं बताया था मैंने आपको और नीचे थे शूदराज बताई थी इसके बीच में भी दो लोग थे और बताया था ना ये वाली बात मैंने तो सिर्फ जो ब्राह्मण थे ना वो ही पढ़ना लिखना जानते थे क्योंकि जो जबान में वो किताबें थीं संस्कृत के अंदर या प्रकृत में जो थी वो किताबें सिर्फ इन्हीं के लोग पढ़ सकते थे तो ये था सबसे ऊंचा तबका जो पढ़ा लिखा था या जो पढ़ सकता था इनके पास तो पढ़ाई लिखाई बहुत दूर की बात थी समझ में आ रही है आपको तो ऊंची जात जो थी वो ही भर लोग थे हर कोई तो अमीर था नहीं तो उन्हीं तक ही महदूद थी हिंदुस्तान के ब्राह्मणों की पहुंच कहां तक थी वेदों तक थी जो संस्कृत में लिखे गए थे मैंने आपको अभी यही बात बताई ठीक है ये वो जबान थी जो सिर्फ वही जानते थे हर कोई नहीं पढ़ता था इसको हर हर एक को पढ़ने की इजाजत नहीं थी या फिर वहीं तक रिस्ट्रिक्ट थी मजहबी किताबों या मुतवन पर सिर्फ इन्हें इख्तियार था इतना क्लियर हो गया बेटा दूसरी बात क्या थी दूसरी बात थी कि पैदाइश और मौत के बाद महंगी रसूमत कुर्बानियां रिवाज का खाका यही पुजारी तबका तैयार करता था वही बनाते थे भाई कोई मर जाएगा तो आपको चालीस दिन तक ये 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 करना है ये ये दान करने हैं आपको चाहे आपके पास पैसे हो ना हो ठीक है या आपके यहाँ बच्चा बच्चे की पैदाइश हुई है तो आपको इतने ब्राह्मणों को खाना खिलाना है इतनों को ये करना है उनको दान करना है वो सब चीज़ें थी तो ये सारी चीज़ें कौन सेट करता था ऊंचा तबका वो तबका जो बस मुट्ठी भर था और वो पैसा भी सिर्फ उन्हीं के पास जाता था तो तालीम की कमी से ये सब हुआ अगर सारे लोगों को संस्कृत पढ़नी आती तो सब पढ़ सकते थे समझ सकते थे जैसे अगर हम इसको रिलेट करें अपने कुरान पाक से जब कुरान पाक की तफसीर पढ़ी जाती है तो उसकी हकी मायने हमारी समझ में आते हैं सिर्फ पढ़ना एक अलग चीज़ हो गई और हम उसका इस्तेमाल अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी करते हैं क्योंकि वो तो वो किताब मुकम्मल किताब है जो इंसानी हयात को उसके हर पहलू पर हर स्टेज पर सिखाती है आपको क्या कब क्या और कैसे रहना है जीना है क्या काम करने राइट इसी तरह अगर हम देखें यूरोप में बाइबल लैटिनी जबान में लिखी गई थी लैटिन जबान में बाइबल जो थी ये एक बाइबल जो है वो हमारी चार आसमानी किताबों में से एक किताब है है? यस और नो यस अब पहला काम तो क्या हो गया भाई तालीम नहीं है lack ऑफ एजुकेशन तालीम की कमी है तो बस ये सारे काम हो रहे हैं लोगों से मनमानी चीजें ली जा रही हैं फिर उसके बाद था पोजीशन ऑफ वुमन अपोजीशन ऑफ वुमेन अब अपोजिशन ऑफ वुमेन यानी कि औरत का मकाम क्या था इसमें वो भी हम देखते चलेंगे लड़कियों और औरतों को आज अपनी तरक्की के बेहतर मौाक हासिल हैं आज आपको इतना राइट है कि आप अपने लिए आवाज उठा सकते हैं पर उस वक्त का समाज कैसा था उन्हें तालीम हासिल करने घर के बाहर जाने के लिए भी काम करने के लिए आजादी ताहम अगर हम बात करें उन्नीसवीं सदी की औरतों की अक्सरियत जो थी मेजोरिटी जो थी के लिए जिंदगी बहुत ज्यादा दुश्वार थी प्रॉपर खाना नहीं था प्रॉपर सैनिटेशन नहीं थी कोई प्रॉपर रिक्वायरमेंट उनकी पूरी नहीं होती थी बाद समाजी रिवाज जैसे दुख्तर कशी दुख्तर कशी अगर किसी के हम बेटी पैदा हो जाती थी तो क्या करते थे उसको कत्ल कर दिया जाता था ठीक है फिर बच्चा शादी जिसका जिक्र हमने पीछे भी करा था पिछले वाले चैप्टर में यानी कि बाल विवाह कह लें इसको आप सती की प्रथा ये भी मैंने आपको बताया था जब किसी के हिंदू समाज में अगर किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाती थी उसकी चिता पर ही उसकी बीवी को जिंदा उसके साथ जला दिया जाता था ताकि उसकी भी जिंदगी ख़त्म कसर अजदवाजियत यानी कि बहुत सारी मैरिज ओके तो ये सारी चीजें थी ये सारा हालात थे उस वक्त में उसके अलावा जो दुख्तर कशी थी या बच्चियों को मार देना था ये बहुत आम था वो लड़कियां जो बच बच रहती थी यानी कि बच जाती थी तो आ, शादी अक्सर उनकी बचपन में ही कर दी जाती थी और ऐसे मर्दों से कर दी जाती थी जो उम्र में उनसे काफी बड़े होते थे यानी कि पेयर नहीं बनता था उनका जोड़ा नहीं होता था वो बच्चियां तो कितने साल की होती थी छह साल की नौ साल की और उनकी शादी करी जाती थी चालीस चालीस साल तीस तीस साल के लोगों से इतना डिफरेंस होता था ठीक है बेटा आज आपके माँ बाप आप क्या देखते हैं दो साल का तीन साल का पांच साल का ज्यादा से ज्यादा सात साल का डिफरेंस हो अगर हम अपनी बच्चियों के लिए रिश्ते देखें तो ऐसे ही सोचते हैं ना हम अपने बच्चों के लिए कि साथ खड़े हो तो अच्छे लगे वो ऐसा ना लगे कि वो उनके अब्बा लगे या वो उनकी अम्मा लगे ऐसा नहीं सोचते हम हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने बताया जोड़े अल्लाह ताला ने तजरत नू सलाम की कश्ती को तैयार करने के लिए कहा था उनसे कहा था ना जोड़े रखिए साथ है ना यही वाली बात थी ना तो जोड़े अल्लाह ताला ने बनाए हैं मुल्क के कुछ हिस्सों में सती की रस्म राइज थी जिसमें बेवा औरत को अपने शौहर की चिता पर खुद को जलाने के लिए मजबूर होना पड़ता था अगर कोई औरत चाहती भी नहीं थी कि वो अपने शौहर के मरने के बाद वो भी मर जाए उसको भी इतना मजबूर करते थे कि वो भी उस चिता पे जाके लेट जाए और खुद अपने आप को आग लगा ले तो ये प्रथा थी ये हमारे समाज का एक वो रुख था वो चेहरा था जो बहुत भयानक चेहरा था ठीक है बेटा चलिए अब हमारे समाज में क्या तब्दीली तब्दीली की ख्वाहिश समाज और मजहबी बेदारी यानी कि सोशल रिफॉर्म्स सोशल रिफॉर्म्स आने शुरू हुए अब सोशल रिफॉर्म्स क्या थे आपके ख्याल में क्या वजूहत हो सकती हैं जिनका असर तफरीक और अदम मसावत के खिलाफ लोगों की बेदारी की सूरत में पैदा हुआ इक्वलिटी लेकर आने के लिए मुसलन जैसे राजा राम मोहन रॉय इनके बारे में हमने पीछे भी पढ़ा था ईश्वर चंद विद्यागर हो गए स्वामी दयानंद सरस्वती हो गए ज्योतिबाई फुल्ले हो गए सर सैयद अहमद खां पंडित रामाबाई ने समाज की जहालत और पसमानदगी को उसकी बेहतरी और तरक्की में रुकावट के लिए जिम्मेदार बाना ये वो लोग थे जो समाज में तब्दीली चाहते थे ये वो लोग थे जो समाज में एक तरह का बदलाव लाना चाहते थे इन चीज़ों को खत्म करना चाहते थे और ये हर समाज से ताल्लुक रखते थे देखिए इसमें आपको हिंदू में मिलेंगे राजा राम मोहन रॉय स्वामी दयानंद सरस्वती यहाँ पर आपको मुसलमान भी मिलेंगे सर सैयद अहमद खान ठीक है आपको हर मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोग आपको यहाँ पर मिलेंगे उम्मीद है अभी तक हमने जितना चैप्टर करा है आपकी समझ में आया है इन अगली क्लास में हम इस सबक को मुकम्मल करेंगे टी के लिए मैं फिर बोलूँगी आज ही से आप अपना काम शुरू कर दीजिए पांच दिन में पांच सवाल हो सकते हैं ठीक है तो पंद्रह तारीख से पहले आपका रेडी हो जाएगा वो जमा करा दीजिएगा वक्त पर काम करेंगे तो आपके फायदे में रहेगा बेटा आप पंद्रह तारीख से पहले अपने कोऑर्डिनेटर को या जैसे भी सबमिट होगा वो हो जाएगा आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू ऑल ओके सो वी आर वाइंडिंग अप द क्लास नाउ इंशाल्लाह हम अपनी अगली क्लास में मुलाकात करेंगे तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ अलकम वरहत लि वरकू